दोस्तों इस वीडियो में कुछ सीखने या ऐसा कुछ सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। एक गाड़ी है, जैसे हमारे पास आई थी वेंटो, VW की वेंटो टी। तो वेंटो TSI है, पेट्रोल इंजन है, टर्बो वाला। इसमें क्या होता था, गाड़ी चलते चलते अचानक से कभी मिसफायर शुरू हो जाता, इंजन हंटिंग शुरू हो जाती थी। सब कुछ चेक कर लिया हमने, कुछ फॉल्ट कोड भी नहीं आ रहा, लेकिन इंजन हंटिंग हो रहा है। कुछ मतलब सब कुछ, जैसे स्पार्क प्लग है, इग्निटर है, और क्या बोलते हैं, इंजेक्टर है, सब कुछ चेक कर लिया, कोई फॉल्ट कोड नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो तंग आकर हम लोगों ने गाड़ी OEM भेजा। OEM भेजा तो OEM वालों ने इसका हेड ओवरऑल कर दिया। हाँ, इसका हेड ओवरऑल तक कर दिया है OEM वाले। OEM यानी सर्विस डीलरशिप वालों ने हेड ओवरऑल कर दिया। सिलेंडर हेड बोला मिस फायर हो सकता है कि वॉल कभी गर्म में काम नहीं करता होगा ठीक से, तो उन्होंने हेड ओवरऑल कर दिया। गाड़ी आई हमारे पास, हमारे पास आने के बाद में जब हमने चलाया, फिर से मिसिंग हो रही है, फिर से हंटिंग हो रही है। तो फिर हमने गाड़ी वापस भेजी। गाड़ी वापस भेजने के बाद दोस्तों, तकरीबन महीना भर उन्होंने गाड़ी अपने पास रखी। रखने के बाद में उन्होंने अपने कोई VW जर्मन का कोई इंजीनियर को बुलवाया, और इसमें उन्होंने क्या कहते हैं उसको, कुछ किया, प्रोग्रामिंग वगैरह किया, ACM प्रोग्रामिंग वगैरह किया उन्होंने। उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी एकदम स्मूथ है, कोई इशू नहीं है, एकदम परफेक्ट है। अभी कोई MI लाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। पहले इसमें जर्किंग होता था, जब गाड़ी गर्म हो जाती थी, थोड़ी दूर चल लेती थी, तो अचानक से जर्किंग स्टार्ट हो जाता था, फिर अचानक से बंद भी हो जाता था, लेकिन जर्किंग का इशू था। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास भी ऐसी कोई गाड़ी आएगी जिसमें आप परेशान हो गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। ठीक है, या आपके पास अपनी गाड़ी होगी वेंटो TSI इंजन, TSI वेंटो हो या पेट्रो पोलो हो या कोई और TSI इंजन हो, किसी में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी थी, सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। गुड बाय।